Hello and welcome to the second episode of Order Order. I am Adityadha and you are watching The Social Indian. In this video, we will be dealing with the six landmark judgments that brought a change. क्योंकि चेंज लाने की यहाँ पर बात सब करते हैं और सब कहते हैं कि भाई दुनिया में चेंज आना चाहिए, लेकिन कौन से थे वो छह जजमेंट जिन्होंने सच्ची में चेंज लाया और सुप्रीम कोर्ट के उन जजमेंट से अब कानून में चेंज आ चुका है और सिचुएशन में भी थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। बाकी हमारी मानसिकता के ऊपर है कि हम कब तक उस चेंज को एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहला नंबर जो आता है वो आता है निर्भया केस का, जिससे अमेंडमेंट आई थी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। 2000 के जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था उसमें अमेंडमेंट आई थी। अब इसमें क्या हुआ था, 16 दिसंबर 2016 को एक गैंग रेप, ब्रूटल गैंग रेप, जिसे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में कोसा गया है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मार्चेस निकाले गए थे, जिसमें 23 साल की लड़की का रेप किया गया था। उसके बाद जो इशू जो सामने आया था कोर्ट के, वो ये था कि जुवेनाइल्स को ऐसे जो निर्मम अपराध होते हैं उसमें कैसे सजा दी जाए जुवेनाइल्स को। तो उसके लिए जो पहले रूल्स थे वो बहुत कमज़ोर थे। 18 साल की उम्र को माना जाता था जुवेनाइल, अब भी माना जाता है, लेकिन अब जो है वो जो आपके अपराध है उसके ऊपर डिपेंड किया जाता है कि आपको कैसे डील किया जाएगा। आपको क्रिमिनल कोर्ट में भेजा जाएगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने भेजा जाएगा, वो उस पर डिपेंड करता है। तो उसके बाद काफ़ी चेंजेस आए। इसके बाद 18 से 16 साल की गई जुवेनाइल की एज। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी था कि सेंटर से पूरा सपोर्ट मिला गवर्नमेंट को, लोगों ने पूरा सपोर्ट किया और दबाव भी था एक तरह से देखा जाए तो कोर्ट के ऊपर, और ये अच्छा जजमेंट पास हुआ जहां पर अपराध के बेसिस पर जुवेनाइल को जज किया जाए कि उसकी मानसिक कंडीशन ऐसी थी कि नहीं थी कि उसे सेशन कोर्ट के सामने पेश किया जाए, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाए। तो ये एक अच्छा अमेंडमेंट था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में आया ये अमेंडमेंट इस केस के द्वारा। अब हम आते हैं दूसरे नंबर के केस पर, वो था शाह बानो वर्सेस मोहम्मद अहमद खान का। अब ये जो केस है वो रिलेटेड था सेक्शन 125 सीआरपीसी से। अब सीआरपीसी का सेक्शन 125 जो है वो मेंटेनेंस की बात करता है। मेंटेनेंस किसको, फैमिली को और वाइफ को। जो इसमें केस में ये होता है कि शाह बानो के 5 बच्चे होते हैं और 62 साल की उम्र में यानी 62 की एज में उसका पति उसे डाइवोर्स दे देता है। तो वो कोर्ट के पास जाती है मेंटेनेंस के लिए कि हस्बैंड से उसे मेंटेनेंस मिले। अब वो इस्लामिक सिस्टम के हिसाब से डिमांड करती है कि उसे एलिमनी मिले जो मेंटेनेंस की है वो। अब गवर्नमेंट जो है वो फेवर उसके, गवर्नमेंट जो है वो रूल करती है हस्बैंड के फेवर में, इसीलिए उसे मेंटेनेंस नहीं मिल पाता है। उसके बाद से इसका जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट के बाद से सभी मुस्लिम महिलाओं के लिए मेंटेनेंस जो है वो हस्बैंड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और मेंटेनेंस जो है एक इम्पॉर्टेंट हो गया है जजमेंट के आने के बाद से। अब KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। ये केस आपने रुस्तम मूवी में भी देखा होगा, रुस्तम मूवी इसी के ऊपर बेस्ड है। इसमें एक नेवल ऑफिसर शॉर्ट कर देता है एक आदमी को, वो क्यों करता है क्या करता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये तो बहुत प्रचलित केस है, पिक्चर भी आ चुकी है तो आपको अच्छे से नॉलेज है इसके ऊपर। ये इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था वो ये था कि इफ़ जूरी कुड बी इन्फ्लुएंस देयर बाय अबॉलिश द जूरी सिस्टम दैट इज सस्पेंशन ऑफ जूरी ट्रायल। यहाँ पर बड़ा ये होता है कि ओवर रूल किया जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को और नानावट्टी को गिल्टी माना जाता है मर्डर के लिए और उससे लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए भेजा जाता है। अब यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट में उन्हें एक्विट किया गया था, यहाँ पर कन्विक्ट किया गया है। तो बहुत ही देखने वाली बात यह है, अब ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था या प्रोवोकेशन था ये आपको देखना है। आप आएंगे सिलेबस में पढ़ेंगे भी, ये इंपॉर्टेंट केस है KM नानावटी का। पिक्चर आ गई इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं चौथे नंबर के केस पर, मैरी रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस है प्रॉपर्टी के ऊपर। इसमें ये होता है कि जो फादर्स मर जाते हैं अपनी विल बनाए बिना, जिसमें डॉटर को कोई शेयर नहीं देते हैं, तो वहां पर डॉटर कोई भी शेयर के लिए एंटाइटल नहीं होगी। इसके ऊपर ये केस था जिसपे जजमेंट आता है डॉटर को एंटाइटल माना जाता है कि हाँ भाई डॉटर्स भी एंटाइटल्ड हैं। अब जो पांचवा केस आता है वो आता है मथुरा केस। मथुरा केस में क्या होता है, मथुरा केस है हरेसमेंट का केस, रेप का केस, जो पुलिस स्टेशन में एक लेडीज के साथ, बच्ची के साथ जो रेप होता है उसका केस है। उसके बाद से ये जो शाम वाला आया है कि भाई शाम को आप लेडीज़ को अरेस्ट नहीं कर सकते, जो सीआरपीसी के प्रोविजन है उनको फॉलो नहीं किया गया था इस केस में। मथुरा की डेड बॉडी मिली थी। अब यहाँ पर नाम जो देखते हैं हम मथुरा को प्लेस से डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वो विक्टिम का नाम है।
इसीलिए यहाँ पर इसमें देखा गया था कि कस्टडियल रेप जो है वो ऑफेंस है और वो पनिशेबल है कंसेंट और विदाउट कंसेंट के भी। छठा जो केस आता है वो आता है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, भले लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइप केस है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये केस है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का। शिया के लॉज बनाए गए थे और इसी के बाद से ही द कोर्ट जनरेटेड लॉ फॉर वुमेन विच गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट देयर वर्क प्लेस, ताकि जो वर्क प्लेस में है वो एनवायरमेंट अच्छा हो, हेल्दी एनवायरमेंट हो, आदमी और लेडीज कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकें, मैन एंड वीमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, इसका ये जजमेंट था और इसी पर बेस है ये सब कुछ। इसके बाद से जो है रूल्स को और स्ट्रिक्ट किया गया है और चीज़ों को बदलाव लिया गया है। अब मैं चाहूँगा कि कहाँ पर अमेंडमेंट आया है इस केस के बाद, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताएं। इस वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं सीरीज़ के अगले वीडियोज़ में। भारत माता की जय, जय हिंद।